वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रेलवे ग्रुप डी पार्ट टू। ठीक है, मैथ्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। इस 150 क्वेश्चन को अगर आप लोग देख करके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस 150 क्वेश्चंस में हम लोग पूरा मैथ्स कवर कर लेंगे। पूरा मैथ्स, हर एक कंसेप्ट, हर वो क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा और सबका कंसेप्ट आप लोगों को जान जाना है। ओके, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मिलेगा आप लोग सारा वीडियो देख लो, क्योंकि हर एक वीडियो रेलवे पे फोकस करके ही बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ मैथ देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैथ भी देखना है, जनरल साइंस भी देखना है, करंट अफेयर्स भी देखना है, और उसके अलावा जो और जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है, जैसे कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, कैपिटल करेंसी, आप लोगों का कौन किस पोस्ट पे है, किस कंपनी का सीईओ का नाम क्या है, कौन सा प्राइज किसको मिला है, ठीक है, ये सारा चीज, तो ये सब पीरियोडिक टेबल, ये सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग वो सारा वीडियो देखो, उसके बाद आप लोग एग्जाम देने के लिए जाना, और देखना आप लोग गारंटी 75% 80% स्कोर कर दोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप लोगों को दिमाग में बैठाना है कंसेप्ट को, और उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग फेसबुक पेज को लाइक कर लेना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फेसबुक पेज पे भी दिया जाएगा, यहाँ पे देने से लेक्चर लंबा हो जाता है। ओके, क्वेश्चन का लैंग्वेज दोनों है, इसलिए कोई बहाना नहीं कि सर हिंदी में नहीं है तो सर इंग्लिश में नहीं है। जिसको जो लैंग्वेज समझ में आता है वो लैंग्वेज फॉलो करो। पीटर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 आवर्स एंड क्वैगमायर अलोन कैन डू इट इन 5 आवर्स। पीटर एंड क्वैगमायर अंडरटुक टू डू इट फॉर $1,008 विथ द हेल्प ऑफ गोल्डमैन। दे फिनिश्ड इट टुगेदर इन 2 आवर्स। हाउ मच ऑफ द मनी डिड गोल्डमैन गेट। पीटर एक काम को 20 घंटा में पूरा कर सकता है और क्वैगमायर जो है सो 5 घंटा में। आपको बोला गया कि पीटर और क्वैगमायर जो है सो $1,008 में इसे पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने गोल्डमैन की मदद से मिलकर इसे 2 ही घंटा में पूरा कर दिया। गोल्डमैन को कितना पैसा प्राप्त हुआ? काफी लोग क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको क्या क्या बताए? आपको बताया कि जो जो दिया रहे टाइम उसको ले लेना है। यहाँ 20 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग एक जगह जमा कर लेंगे, 20, 5 और 2। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो 20। ठीक है, चलो ये हो गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन क्या बोला? पीटर, तो पीटर 20 घंटा लेता है, क्वैगमायर 5 घंटा लेता है। ओके, है ना, पीटर एक काम को 20 घंटा में, क्वैगमायर अकेले 5 घंटा में। पीटर और क्वैगमायर ने $1,008 में पूरा करने का फैसला लिया, और उन्होंने गोल्डमैन की मदद से, मतलब पीटर प्लस क्वैगमायर प्लस गोल्डमैन, ये तीनों मिल करके क्या किया, काम को 2 घंटा में ही पूरा कर दिया। चलो अब क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। ये 2 घंटा में 20 काम तो 1 घंटा में 10, ये 5 घंटा में 20 काम तो 1 घंटा में 4, ये 20 घंटा में 20 काम तो 1 घंटा में 1। ठीक है, चलो गोल्डमैन को कितना पैसा प्राप्त हुआ? गोल्डमैन को, अब आप ही बताओ, पी प्लस क्यू प्लस जी, पीटर प्लस क्वैगमायर प्लस गोल्डमैन, इसका एफिशिएंसी है काम करने का 1 घंटा में मान लो 10 यूनिट। ठीक है, क्यू करता है 4, 4, पी करता है 1, चलो ठीक है, जी 10, जी निकालोगे तो निकल जाएगा 4 × 1 = 5, 10 में से 5 = 5। अब बताओ, आप ही बताओ, आप ही बताओ, पी इज टू क्यू इज टू जी का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं काम करने का एफिशिएंसी, तो पी करता है 1, क्यू करता है 4 और जी करता है 5, है ना। तो जिस रेशियो में आप काम करोगे पैसा का हिस्सा तो आपको उसी रेशियो में मिलेगा। चलो 5, 4, 9, 1, 10, 5, 4, 9, 1, 10, तो 10 यूनिट काम के बराबर कितना पैसा आप कमाओगे? $10,008, $10,008। तो आपको किसका पूछा है? गोल्डमैन का, तो गोल्डमैन का 5, तो 5 यूनिट का निकाल देंगे, तो 5 यूनिट का निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका $504 आंसर। देखो यहाँ भी एक चीज है दिमाग लगाने वाला,
आप क्या करोगे, एक यूनिट निकालोगे, तो एक यूनिट निकालोगे तो आपका आ जाएगा 110.8, और उसके बाद आप 5 यूनिट निकालोगे तो आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। जरूरत क्या है, दिमाग लगाओ ना। 10 यूनिट है आपका 1008 और गोल्डमैन का निकालना है 5 यूनिट, तो एक करके फिर 5 करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट 10 का आधा 5, तो 1008 का आधा 504, ठीक है। अब अगर पी का पूछता तब निकालते 1 यूनिट का, अगर क्यू का पूछता तब निकालते 4 यूनिट का, अगर पी प्लस क्यू का पूछता तो 1 और 4 5 5 यूनिट निकालते। तो ये सारा चीज है कंसेप्ट, तो आप लोग समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, विथ द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश इट इन 5 डेज, इफ दे आर पेड ₹960 फॉर द होल वर्क हाउ मच मनी ए गेट्स। सेम क्वेश्चन है, अब आप लोग मुझसे पहले बना लोगे ये क्वेश्चन कैसे करना है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, लेकिन सी का सहायता से क्या करता है, 5 दिन में ही काम को खत्म कर देता है। पूरा काम करने के लिए 960 मिलता है, तो आपको ए का हिस्सा बताना है। 12 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 12, 15 और 5, एलसीएम ले लोगे तो आपका आ जाएगा 60, तो 60 हो गया टोटल काम। चलो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और ए बी सी के साथ मिल के करता है आपका 5 दिन में, यानी ए बी और सी मिल के करता है 5 दिन में। चलो 5 दिन में 60 तो 1 दिन में 12, 15 दिन में 60 तो 1 दिन में 4, 12 दिन में 60 तो 1 दिन में 5, चलो हो गया। अब बताओ ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो, ए का 5 है, बी का 4 है, यही होता है एफिशिएंसी। ये जो एरो में देखते हो ना ये लिखा हुआ, ये एफिशिएंसी होता है। बी का 4 है और सी का, अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी आप देख रहे हो ना 12 है ना, और ए का 5 है, बी का 4 है, तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी का निकाल लो। मैं इतना लिख करके क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए, वरना डायरेक्ट मैं लिख देता। 5 4 9, 12 में से 9 गया 3, सी का 3, सी का 3, ठीक है 3। तो अब तो ये काम का रेशियो है, तो इतना काम के बराबर मिलता है 960, तो 5 4 9 3 12, 12 यूनिट काम, 12 यूनिट काम है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करना। 12 यूनिट ये टोटल क्यों जोड़े, ये जोड़े काम निकालने के लिए, और इस 12 में 5 काम किया ए, 4 काम किया बी, 3 काम किया सी, तो जो जितना काम करेगा उसको पैसा उसी हिसाब से मिलेगा। तो 12 यूनिट काम के बराबर 960 रुपया है, आपको निकालना है ए का, ए का 5, यानी एक यूनिट निकाल लो, एक यूनिट आप निकालोगे तो 12 8 96, 80 रुपया हो जाएगा। तो ए का निकालना है, तो ए का तो है 5 यूनिट, ये 5 यूनिट काम किया है, तो निकाल दो 5 × 80, तो आपका 400, ये आपका आ जाएगा ए का, अब ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे मान लो पूछा जाता बी का, तो 4 यूनिट के बराबर निकालते, सी का पूछा जाता 3 यूनिट के बराबर निकालते, ए प्लस बी का पूछा जाता तो 5 + 4 यानी 9 यूनिट का निकालते। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग ये याद रखना, एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला याद रखना, ये आपका होता है टोटल वर्क, ये आपका होता है टोटल वर्क, ओके। अगर H नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ MD भी हो जाएगा टोटल वर्क, अगर D नहीं दिया रहेगा तो M और H भी हो जाएगा टोटल वर्क। ये होता है मैन पावर, क्या होता है मैन पावर, मैन पावर मतलब सिर्फ M से मैन मत समझना, वुमेन भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये होता है डे और ये होता है आवर, ओके। चलो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2 children and 3 men, तो 2 children and है तो प्लस 3 men, ये मैन पावर हुआ, मतलब बच्चा भी कुछ काम कर रहा है और आदमी भी कुछ काम कर रहा है, तो आदमी कर रहा है तो ये मैन पावर हुआ, ठीक है। ये काम करता है 12 दिन में, तो देखो ये मैन पावर हुआ, ये एम को बताता है, ये डी को बताता है, आपको बोले अगर एच नहीं रहेगा तो एम डी भी होता है, ये टोटल काम हो गया, और यही ये जितना काम होगा वो काम बराबर होगा अगर इसी काम को अलग तरीका से करवाया जाए, मतलब इसमें 2 बच्चा और 3 आदमी था, अब क्या कर रहे हैं 3 बच्चा और 2 आदमी रख दे रहे हैं, मतलब 3 बच्चा यानी 3 children + 2 men अगर ये रख देते हैं हम लोग, तो ये काम चलता है 10 दिन चलता है, तो ये भी इसमें मैन पावर हो गया और ये डे हो गया। तो
तो हम लोगों का काम क्या रहता है, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आएगा आंख बंद तुरंत लिखना है, जो दिया रहेगा उतना गुना डी जितना दिन में करता है बराबर, फिर अगला इक्वेशन में जो दिया रहेगा वो गुना डी। तो अब क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसका हम लोग एफिशियंसी निकालेंगे, सोल्व करेंगे, सी और एम है तो सी और एम का हम लोग एफिशियंसी निकालेंगे। सोल्व करो, आप लोग सोल्व करोगे तो थोड़ा सा कट कर देते हैं, आसान होगा, दो पच्चे दस और दो छह बारह, चलो छह दूनी बारह सी प्लस छत्तीस अठारह एम, इतना इक्वल करोगे आप थ्री इंटू फाइव करोगे फिफ्टीन सी प्लस टू इंटू फाइव टेन एम, इसको आप लोग सोल्व करोगे तो आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा एट एम इक्वल टू थ्री सी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, तो m बाय सी कर दो रेशियो निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो 3 बाय 8 हो गया। चलो आगे देखते हैं, ये आपका हो गया। अब देखो आप लोगों के पास एफिशिएंसी निकल गया मैन और सी का, बच्चा का, चाइल्ड का, अब क्या करेंगे, हमको टोटल वर्क तो पता नहीं है तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क देखो ये इक्वल टू के इधर ये पूरा, ये भी टोटल वर्क है या ये भी टोटल वर्क है, ये पूरा भी टोटल वर्क है या ये पूरा भी टोटल वर्क है, आपको जिसमें मन रख करना है उसमें आप वैल्यू पुट करो, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। चलो हम इसमें चेक करते हैं, फर्स्ट वाले में एम सी की जगह आठ है तो दो गुना आठ यानी सोलह, सोलह प्लस एम की जगह तीन है तो तीन तिया नौ, सोलह नौ पच्चीस और गुना बारह, छह नहीं बारह, अगर छह करोगे तो यहाँ पांच करना पड़ेगा, बारह कर रहे हैं, शुरू में बारह था इसलिए बारह कर रहे हैं, यहाँ पे दस करेंगे, अगर आपको मन है करने का कर सकते हो, लेकिन अगर आप छह करोगे तो यहाँ पे पांच करना, तो ये सोलह नौ पच्चीस गुना बारह करोगे 300 आ जाएगा। चलो कोई लड़का बोलेगा सर हम इसमें क्यों चेक करेंगे, इसमें क्यों नहीं चेक करेंगे, आपकी मर्जी, आप इसमें चेक करो। चलो सी की जगह आठ तो तीन गुना आठ चौबीस प्लस एम की जगह तीन तो तीन दुनी छह चौबीस छत्तीस और गुना दस यानी 300 आपको सेम ही आएगा, यानी टोटल वर्क मेरा कितना निकल गया, टोटल वर्क निकल गया मेरा 300। अब बताओ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको कि कितना दिन लगेगा एक चाइल्ड और एक मैन अगर करेगा तो सबसे पहले एक चाइल्ड और एक मैन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बार बार बोले आप लोगों को, जिसका पूछेगा सबसे पहले उसका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो चाइल्ड का आठ है और मैन का तीन है यानी 11, तो जो एफिशिएंसी निकलेगा उससे टोटल वर्क में डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 300/11। अगर आप इसको फ्रैक्शन में करोगे, क्योंकि ऑप्शन में फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो 11 दूनी 22, 8 पर 0, 11 सते 77, 3/11, 27 पूर्णांक 3/11 डेज दिन, ये आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, जो दिया हुआ रहेगा वो इक्वल करना, एफिशिएंसी निकालना और बस टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, इफ अ लीकेज इज कैपेबल ऑफ इम्पटिंग द टैंक इन 60 मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड इन। एक नल एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, यदि एक रिसाव 60 मिनट में टंकी को खाली कर देता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखो ये एक टंकी है तो एक नल है, एक नल से पानी गिर रहा है इसमें और यहाँ पे क्या है एक छेद है, इससे भी पानी निकल रहा है, अब ये क्या कर रहा है पानी भर रहा है लेकिन कुछ पानी है निकल जा रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, सेम कंसेप्ट, जहां जहां डाटा दिखे जमा करना है, जमा किए 20 है 60 है, एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, यही हो जाएगा मेरा वर्क, ठीक है। चलो ये है 20 मिनट लगाता है भरने में और लीकेज एल लिख देते हैं, एल ई के ए जी लिख देते हैं लीकेज, ये खाली करने में लगाता है 60 मिनट, सिंपल सा बात। अब चलो ये 20 मिनट में 60 काम करता है यानी एक मिनट में तीन काम किया, ये 60 मिनट में 60 काम करता है यानी एक मिनट में ये एक काम किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये भरने का काम कर रहा है तो प्लस और ये घटाने का काम कर रहा है, ये निकालने का काम कर तो माइनस, ठीक है। चलो अब आप ही बताओ एक मिनट में ये तीन काम कर रहा है और एक काम ये खराब कर दे रहा है, मतलब तीन यूनिट पानी भराया एक यूनिट पानी निकल गया, तो अगर आप बात करोगे ए का ए या टैप कह सकते हो, चलो ए माने हैं ए ही रहने देते हैं, ए प्लस लीकेज का अगर बात करोगे तो एक मिनट में कितना काम करेगा, तो ये प्लस तीन था और ये आपका
माइनस वन है मतलब दो काम हो रहा है प्लस में, अगर माइनस में हो जाएगा तो कभी टंकी भरेगा ही नहीं, प्लस में होगा तब तो भराएगा, एक मिनट में दो यूनिट हो गया, फिर अगला मिनट में दो यूनिट, फिर अगला मिनट में दो यूनिट, ऐसे करके भरा जाएगा। अब देखो काम है 60 यूनिट, काम है 60 यूनिट और एफिशिएंसी है दो, है ना, ये एफिशिएंसी है ना, टैप प्लस लीकेज का एफिशिएंसी तो यही आया मेरा, सिर्फ अगर टैप का पूछता तो उसका एफिशिएंसी तीन था प्लस में, सिर्फ अगर लीकेज का पूछता तो माइनस था वन, लेकिन टैप प्लस लीकेज दोनों का पूछ रहा है तो प्लस तो है, तो हमेशा क्या करते हैं टोटल काम में उसके एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं, सॉल्व कर दोगे 30 आ जाएगा, यानी 30 मिनट में टंकी भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, नीरज अर्निंग वाज डिक्रीज्ड बाय 60% एंड आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 60%, फाइंड द फाइनल लॉस ऑन हिज अर्निंग। मेरे हिसाब से आप लोग मानोगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, परसेंटेज का 90% क्वेश्चन कोशिश करो 100 पे सॉल्व करने का। देखो नीरज की कमाई 60% घट जाती है, उसके बाद 60% फिर बढ़ जाती है उसके कमाई पर अंतिम हानि, मान लेते हैं उसका कमाई है 100, ध्यान से सुनो, 60% घट गया 40 हो गया, कोई दिक्कत है, 60% घट गया तो 40 हो गया, माइनस 60% करो 40 हो गया, अब बोला 60% बढ़ गया, मतलब ये 40 प्लस 60% से बढ़ गया, तो इसका 60% 24 होगा, यानी 40 और 24 कितना 64 हो गया, कहानी खत्म, 100 था और अभी 64 है, तो कितना परसेंट घट गया बताओ, 36%, डायरेक्ट आंसर, कोई टेंशन नहीं अगर मेरे हिसाब से चलोगे। कुछ लोगों को फॉर्मूला से प्यार होता है, तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ये फॉर्मूला होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको रट जाना। चलो अब सॉल्व करते हैं, 60% से घटा तो माइनस 60, घटा तो माइनस लिए, फिर 60% से बढ़ा तो प्लस 60, ठीक है, प्लस एक्स वाई तो एक है माइनस 60 और एक है प्लस 60 और बट्टा 100, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे 0000 कट जाएगा, माइनस 36% आंसर, माइनस क्या बताता है घटने का, घट गया, ऐसे करना है ऐसे करो, मेरे हिसाब से करोगे ऐसे करो, क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई 30 सेकंड में बनाता है, कोई 40 सेकंड में बनाता है, लेकिन बनना चाहिए, और रेलवे के एग्जाम में टाइम हमेशा पूरा रहता है, ठीक है, टाइम का कमी नहीं रहता है रेलवे के एग्जाम में, अगर आपके पास थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है तो। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, आपका क्वेश्चन है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 6/13 इंस्टीड ऑफ 13/6, उसको गुना करना था 13/6 से, टीचर उसको बोला कि बाबू तुमको 13/6 से गुना करना है, लेकिन गलती से क्या किया 6/13 से गुना कर दिया, है ना, एक छात्र ने एक संख्या को 13/6 के जगह गलती से 6/13 से गुना कर दिया, यानी ओरिजिनल मेरा अगर सही सही वो गुना करता तो ये ओरिजिनल रिजल्ट आता, मेरा यही आता ओरिजिनल रिजल्ट, लेकिन गलती से इससे गुना कर दिया तो ये आ गया रिजल्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमेशा कोशिश करो फ्रैक्शन को हटाने का, फ्रैक्शन को हटा दोगे ना तो आसान हो जाएगा, तो चलो 6 और 13 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 78 आएगा, तो दोनों तरफ 78 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 78 से गुना कर देते हैं, तो जब गुना करोगे तो 6 से 13 यानी ये कट जाएगा 13 से, ये हो जाएगा 169 और ये 13 6 78, ये हो जाएगा आपका 36, मतलब अगर वो सही सही गुना करता तो 169 आता, लेकिन वो गलती गुना कर दिया जिसकी वजह से 36 आ गया, जिस रेशियो में 13/6 और 6/13 है उसी रेशियो में ये पूरा भी है, आप इसको जब रेशियो में निकालोगे तो जिस रेशियो में 13/6 है और 6/13 है उसी रेशियो में 169 और 36 भी है, क्यों है देखो सेम है, कुछ किए थोड़े हैं, इसी का वैल्यू है ना ये, इसी पूरा का वैल्यू है ना ये और इसी पूरा का वैल्यू है ना ये, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर 78 काटेंगे ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ ये आना चाहिए, ये आ गया, हमेशा ये तीर वाला कंसेप्ट समझना, ये आना चाहिए 169 गलती से आ गया 36, यानी क्या एरर किया, तो पहले तो चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं 169 की जगह 36 ले, यानी कितना का रिजल्ट में हेर फेर हो गया, तो हेर फेर हो गया आपका 133 का, घटा यानी माइनस, 169 में से 36 घटाओगे तो जो भी है मतलब रिजल्ट जो आया सो 133 कम आ गया, आना चाहिए था 169 गलती से ले आया वो
36, 133 कम। हमेशा ये चेंज जो होता है ये होता है ऊपर में 133 और बट्टा ओरिजिनल हमेशा नीचे रखते हैं, हमेशा तीर का पीछे वाला मतलब जहां से स्टार्ट होके जहां गए ओरिजिनल, ओरिजिनल 169 था लाया 36 तो 169 नीचे गुना 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो भी आंसर आ जाए, देखो सॉल्व कैसे करोगे, इसको कैसे सॉल्व करना मैं छोटा सा तरीका बताता हूँ, एग्जैक्ट सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। आप देखो 169 से आप लगाओगे इस पे लगाओगे तो एक ये तो लगेगा नहीं, तो इस पे आप जाओगे, सिंपल सा बात है कि आप इतना जाओगे, तो आप इतना जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो है सो 6 7 8 7 से लगाओ, 7 9 63 6 7 6 42 और 6 48 4 7 7 11, ठीक है 8 से नहीं लगेगा, जब 8 से लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा 1183 1283, 8 से लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 से आया, हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। लोग क्या करते हैं ना पूरा सॉल्व करने लगते हैं, जरूरत क्या है, 7 से एक ही ऑप्शन है, 7 से एक ही ऑप्शन है, तो आंसर टिक करेंगे और निकल जाएंगे, कुछ आएगा वही आएगा, आप सॉल्व करके देखो आपको वही आएगा। तो ये सब ही दिमाग लगाना है एग्जाम के टाइम में कि कैसे टाइम बचाना है, ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इट वाज मेजर्ड एट 12.5 बाय मिस्टेक, फाइंड द एरर परसेंट। आपको बार बार बताते हैं 10 सेंटीमीटर की जगह गलती से वो 12.5 कर दे, उसको करना था 10 कर दिया 12.5, है ना, चेंज 10 करना था कर दिया 12.5, पिछला क्वेश्चन में जो कंसेप्ट सीखे हो यही हुआ ना, अढ़ाई ज्यादा कर दिया गलती से, तो इतना बट्टा ओरिजिनल 10 गुना 100 25% आंसर, ठीक है निकल जाएंगे, खत्म करके 10-15 सेकंड में बनाएंगे निकल जाएंगे। सारा कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, देखो टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 12% और 15% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है, कैसे करना देखो, ए बी सी यही है ना, यही है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12% 15% मोर देन थर्ड नंबर, चलो ए जो है सो सी से 12% ज्यादा है, तो अगर ए 112 ऐसे करें, यही है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही है ना, सी अगर 100 है तो ए 112 है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि बी 25% ज्यादा है तीसरा से, तो सी अगर 100 है तो बी 125 है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज, जैसे क्वेश्चन में वैसे देखो आप, सी तीसरा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहला जो है सो तीसरा से 12 ज्यादा है परसेंट, दूसरा जो है सो तीसरा से 25% ज्यादा है, खत्म। अब पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है, तो ऐसे एरो देखो, पहली संख्या दूसरी से पूछ रहा है दूसरी से कितना ज्यादा है, एरो कैसे बनाएंगे, एरो बनाना सीख गए, परसेंटेज का बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है ना, चाहे कितना प्रतिशत है ऐसे, तो 112 अगर चेंज पूछता तो बीच में कुछ आता फिर उसके हिसाब से करते, लेकिन आपको पूछ रहा है कि 112 जो है सो 125 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत, मतलब दूसरी ओरिजिनल हुआ नीचे जाएगा, सॉल्व करो 25 चौके 100 25 5 125, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 112 गुना 4 448 बट्टा 5 5 8 40 है 4 पर 8 5 9 45 और करो सॉल्व 5 6 का 30 ये ना 5 8 40 4 पर 8 5 9 45 3 पर 6 5 6 का 30 89.6, ओके। क्वेश्चन में देखो लगभग दे दिया है, ये सभी पकड़ने का कोशिश करना, ऐसा नहीं कि ये आ गया ऑप्शन में तो है ही नहीं, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पढ़ो कम से कम, टिक मारने से पहले लास्ट लाइन जरूर देख लेना पूछ क्या रहा है, लगभग
तो 89.6 जो है लगभग 90% है ना। चलो आसान था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ अ सैलरी ऑफ अ वर्कर इन जुलाई टू दैट ऑफ जून वाज 212:14। बाय व्हाट परसेंट द सैलरी ऑफ जुलाई मोर देन सैलरी ऑफ जून, ऑल्सो फाइंड व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ जून वाज लेस देन दैट ऑफ जुलाई। ये क्वेश्चन जानबूझ करके डाला गया है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। ओके, देखो हिंदी में ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका इस तरह से है, ऐसे ऐसे, ठीक है, 2:1/4 इस रेशियो में है। चलो आगे देखते हैं, एक मजदूर के जुलाई का वेतन का जून के वेतन के साथ अनुपात इतना है, तो जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक था तथा जून का वेतन जुलाई के वेतन से कितना प्रतिशत कम था, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे करो। जुलाई का वेतन जून का वेतन, जुलाई का वेतन और जून का वेतन का अनुपात है आपका 2:1/2 और 2:4, यही है। चलो सॉल्व करो, 2×4=5/2 और 4×8=9/4। इसको सॉल्व करो, 5/2 × 4/9 है ना, 2×4=10/9। चलो आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, जुलाई बट्टा जून हम लोगों का आया 10/9, ठीक है, जुलाई बट्टा जून हम लोगों का आया 10/9, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला, जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 9 से 10 एक अधिक है, तो 1/2 हमेशा तीर का पीछे वाला जहां से स्टार्ट हुआ है तीर, 9×100 ये आंसर हो जाएगा। अब करो इसको 100/9 करोगे 11.1/9% हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, जून का वेतन जुलाई के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, जून का वेतन जुलाई के वेतन से कितना कम है, से ये ध्यान देना, जून का वेतन जुलाई से पूछ रहा है, जिसके कंपैरिजन में पूछेगा वहां से तीर खींचेंगे, जुलाई से कितना कम है, तो जुलाई से 1 कम है ना। चलो 1/2 देखो यहाँ पे 1/9 किए थे क्योंकि तीर 9 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे तीर 10 से स्टार्ट हुआ, 10×100 तो 10%। देखो ऑप्शन में देखो 10% और 11.1/9% दो में है, ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 2 में भी है, इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं, मेरा ये एकदम गोल्डन कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो कि आंसर मारने से पहले एक बार लास्ट में पढ़ लेना क्वेश्चन, पहले किसका पूछा जुलाई का वेतन जून के वेतन से, तो ये निकाले थे तो ये पहले आएगा, तो पहले ये ऑप्शन नंबर 1 में है, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 and 20 hours रिस्पेक्टिवली इफ बोथ आर ओपन टुगेदर एंड एट द एंड ऑफ 4 hours पाइप ए इज क्लोज, हाउ लॉन्ग विल द पाइप बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। अगर दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 20 घंटा में भर सकता है, अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और 4 घंटा के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो ज्ञात कीजिए कि बची हुई टंकी को पाइप बी कितने समय में पूरा भरेगा। क्या बताया आप लोगों को, आप लोगों को देखो यहाँ पे 16 और 20 है, तो 16 और 20 आपको मन है तो 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 16 और 20 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि 16 और 20 का ही चर्चा हो रहा है, 4 घंटा के तो बाद पाइप बंद कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं, आपको मन है तो 4 भी ले लेना, तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे आपको 80 आ जाएगा, तो 80। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ए भरता है 16 घंटा में, बी भरता है 20 घंटा में, तो जब 16 घंटा में 80 भरता है तो ये 1 घंटा में भरेगा 5, ये 20 घंटा में 80 भरता है तो 1 घंटा में भरेगा 4, ठीक है। अब बताओ क्या बोल रहा है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, मतलब ए प्लस बी अब एक साथ, ए प्लस बी एक साथ, 5 प्लस 4 यानी 9 यूनिट पानी वो भर रहा है, ये एफिशिएंसी है,
ये भी एक घंटा का है, ये भी एक घंटा का, और ये भी एक घंटा का, क्योंकि ये दोनों मिला हुआ है, तो एक घंटा का, एक घंटा का, ठीक है। कह रहा है चार घंटा तक चला दोनों एक साथ, उसके बाद ए को बंद किए, तो चार घंटा तक जब दोनों चलेगा तो मेरा नौ भर रहा है एक घंटा में, तो चार घंटा में कितना भरेगा, चार गुना नौ छत्तीस, छत्तीस यूनिट पानी भर दिया, ठीक है, छत्तीस यूनिट पानी भर गया। टोटल काम कितना था, टोटल काम था अस्सी यूनिट, अस्सी यूनिट है टोटल काम, छत्तीस यूनिट भरा गया, भरा गया तो काम कितना बचा, तो काम बचा चौवालीस यूनिट, यही काम बचा ना, चौवालीस यूनिट काम बचा, काम बचा। अब पूछ रहा है बचा हुआ काम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बचा हुआ टंकी को पाइप बी कितना समय में पूरा भरेगा, तो बचा हुआ काम है चौवालीस और बट्टा किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो चार, तो बट्टा चार कर देंगे तो ग्यारह घंटा निकल जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टोटल क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक समझ में आया होगा, आप लोग अच्छा से सीख रहे होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोग का, एकदम मेरा टारगेट है कि आप लोगों का मैथ और जनरल साइंस इतना अच्छा करवा दे कि आप लोग एकदम से एग्जाम में मतलब अच्छा करके आओगे, ठीक है। चलो लाइक करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो लेक्चर देख लेते हो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड से ताकि लोग चैनल पे जुड़े, वैसे जुड़ रहे हैं काफी तेजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन और तेजी से जुड़ना चाहिए मेहनत के हिसाब से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग मन से पढ़ाई करो और एग्जाम का अच्छे से तैयारी करो, थैंक यू।